सो गाइस ट्रिक नंबर फर्स्ट के लिए आपको यार रिवाइवल पॉइंट के पास आ जाना है और फिर आपको यार कुछ इस तरीके से कॉर्नर पे खड़े हो जाना है और जैसे ही व्हाइट लाइट जले ना आपको यार तुरंत से बाहर आ जाना है। तो यार देखो जैसे ही व्हाइट लाइट जले आपको बहुत जल्दी से बाहर आ जाना है, इधर लाइट जली और उधर आपको बाहर निकल जाना है, इसलिए आपको कॉर्नर पे खड़े रहना है। सो यार देखो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ दो बार में, पर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। सो यार देखो जैसे यहाँ पे लाइट जली और यार मैं तुरंत से बाहर आ गया। तो यार देखना ये लाइट अब भाई जलती रहेगी और यार रिवाइवल पॉइंट के लाइट को देख के तो यार बंदे लोग भाई दौड़े दौड़े आते हैं। तो यार उसके बाद आप अच्छे से कवर में आ सकते हो अपने स्क्वाड को लेके, और भाई जैसे ही एनिमी लोग आएंगे और आप लोग भाई बहुत ही आराम से उसको किल कर दोगे। और यार आप गाड़ी अंदर ला भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, उसका कोई यूज नहीं है, मैंने बस ऐसे ही ला के रखा ताकि एनिमी को लगे भाई गाड़ी के पीछे एनिमी जो भी रिवाइव कर रहा है, ऐसे ही मैंने ला के रखा। बहुत ही इजी ट्रिक है यार, आप लोग बहुत इजीली कर लोगे और अपने फ्रेंड्स को भी सरप्राइज कर सकते हो। ट्रिक नंबर टू भाई लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में, और यार सबसे पहले आपको क्राफ्टूल बाय कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोन करके क्राफ्टूल को लगाना है, और उसके बाद जैसे ही आप लोग जॉयस्टिक को मूव करोगे तो यार आपका करेक्टर कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो यार देखो ये थोड़ा ज़्यादा अजीब लगता है यार, देखने में फनी लगता है, आपको पता ही होगा नॉर्मली अगर प्रोन करके करेक्टर मूव करता है तो यार वो पैर को मूव करता है यार, हाथ को भी मूव करता है, लेकिन ऐसे भाई बिना पैर हाथ को मूव किए ही वो मूवमेंट करता है तो यार देखने में बहुत ही ज़्यादा फनी लगता है। तो यार अपने फ्रेंड्स लोग को सरप्राइज कर सकते हो इस ट्रिक से। तो अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर थ्री की, और भाई ट्रिक नंबर थ्री होने वाली है परगेटरी मैप में। आपको तो यार ये घर पता ही होगा, बहुत जो घर रहते हैं यार ये येलो वाले घर, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्लोअल लगाना है और फिर आपको यार अपने टीममेट की हेल्प से ग्लोअल के ऊपर चढ़ जाना है और फिर सामने की तरफ आपको कुछ इस तरीके से जंप करना है। तो यार आप यहाँ पे आके अटक जाओगे और फिर आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, यार एनिमी लोग आए ना आप उसको बहुत ही इजीली किल कर सकते हो। इस घर में कैंप करो ना तो फिर आप लोग यार यहीं पे आके बैठना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यार देखो नीचे एनिमी लोग भी आ चुके हैं, मैं यार उनको बुलाने का ट्राई करता हूँ फायर करके। सो यार देखो एनिमी जैसे आया भाई साहब मैंने उसको कितना इजीली हेडशॉट मार दिया, एनिमी को यार पता भी नहीं चला तब तक मैंने उसको मार दिया। और भाई ये वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी है इस घर में कैंप करने के लिए, आप लोग यार उसे इस ट्रिक को यूज करना। ट्रिक नंबर फोर भाई लोग क्लैश स्क्वाड में, और यार देखो अगर यहाँ पे आपका राउंड लगता है तो आपको सिंपली यहाँ पे दो ग्लोअल्स लगाने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके से आपको सिंपली ग्लोअल सेटअप कर लेना, उसके बाद आपको यार यहाँ पे ग्लोअल पे चढ़ जाना और ग्लोअल पे चढ़ के आप लोग इजिली इस घर के ऊपर आ जाओगे। और यहाँ आने के बाद भाई आप लोग पूरे अच्छे से व्यू ले सकते हो, चारों साइड का व्यू ले सकते हो यार, किसी भी साइड से एनिमी आए आप उसको यार बहुत इजिली किल कर सकते हो। सो यहाँ आप देख ही सकते हो यार मैंने तीनों एनिमी को बहुत इजीली कैसे मार दिया, एनिमी को भाई बिल्कुल पता भी नहीं चला मैं किधर से मार रहा हूँ, एनिमी लोग भाई पूरे तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं यार मैं किधर से मार रहा हूँ उनको। सो यार मैंने तीनों को मार दिया यहाँ पे और यार मेरी विक्ट्री हो चुके है। सो क्लैश स्क्वाड के लिए यार ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है इस वाली प्लेस के लिए। सो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।